पराजिता जी मेरे साथ है। अभय जी ने कई आरोप लगाए, वो बोल रहे थे हम ऐसा कानून नहीं चाहते थे, हम लिबरलाइजेशन तो चाहते थे, ओपनिंग अप तो चाहते थे, क्योंकि हमको ये करना है अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के तहत। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये कानून तो जो है ये बिल्कुल पूरी तरह से किसानों के खिलाफ है, और आज उन्होंने भारत बंद का समर्थन भी किया है। अपराजिता जी क्या कहेंगी अभय दुबे जी की बात पर? के साथ रहेगी। हम चाहते हैं कि हमारे किसान स्वतंत्र हो और सशक्त हो, और इसलिए जो 50-60 साल में नहीं हुआ, जो नीति लाना चाहते थे, जो संस्कार कांग्रेस लाना चाहती थी और ला नहीं पाई, उसे मोदी सरकार ने करके दिखा दिया और सबका समर्थन मिला। मैं लोकसभा की सदस्य हूं और मैं जब भी चर्चा हुई है मैं उसके साथ बैठी थी, चर्चाओं में मैं शामिल हुई हूँ। 3 दिन चर्चाएं चली और जितने भी विपक्ष में नेतागण हैं सबकी बात सुनी गई, और ये कह देना कि किसी को नहीं सुना गया ये बिल्कुल निर्मूल है। और मैं ये कह दूं कि अभी जो माहौल बनाया जा रहा है, ये जो बिचौलिए हैं इन्होंने बहुत सारे राजनीतिक दलों का सहारा लिया है, बिचौलियों का अंत होने जा रहा है, और वे राजनीतिक दल जिनका वजूद खतरे में है, जिनकी राजनीतिक जमीन चली गई है, इसे एक राजनीतिक रंग दे रहे हैं और किसानों के कंधों पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये राजनीतिक दल विपक्ष में जो लोग हैं ये लोग न रहे तो देखिए हमारा किसानों पर पूरा विश्वास है, वार्ता जारी है, और मुझे लगता है कि मोदी सरकार का पूरा विश्वास है कि कोई ऐसी समस्या नहीं है, कोई ऐसा विवाद नहीं है जिसे वार्ता से या संवाद से सुलझाया नहीं जा सकता है। और दीपक जी मैं कह दूं, मुझे तो आज लग रहा था कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता होंगे वे मुझे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते धन्यवाद देंगे, उनका काम हमने कर दिया, उनके सपने को हमने साकार किया। 2019 के मैनिफेस्टो का पेज नंबर 17 का पॉइंट नंबर 11 पढ़िए, मैं पढ़ के सुना देती हूँ, मुझे 30 सेकंड दीजिए। अपराजिता जी ये लाइन सूट नहीं कर रही है, आप तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी लेकिन अब आप कांग्रेस के सपनों को साकार कर रही है, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी एक्ट को निरस्त कर देगी और कृषि उत्पादों के व्यापार की व्यवस्था करेगी जिसमें निर्यात और अंतरराज्य व्यापार भी शामिल होगा, जो सभी प्रतिबंधों से मुक्त होगा। यह कांग्रेस की भाषा है, उनके मैनिफेस्टो से मैंने पढ़ा। तो जब यह स्थिति है, और हम सब जानते हैं, इस पर बातचीत भी हुई कि शरद पवार जी जो उस समय तत्कालीन कृषि मंत्री थे, उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों को भी इस दिशा में लिखा था, तो हमने तो उनके सपनों को साकार किया और अभी इस रण क्षेत्र में कूद पड़े। क्या जरूरत थी कांग्रेस को कूदने की? और बाकी जितने लोग हैं, आप आम आदमी पार्टी की भी बात करें, 23 नवंबर को ठीक है अधिसूचना जारी की गई, उन्होंने स्वीकृति दी, दिल्ली सरकार ने स्वीकृति दी, और आज देखिए आज किस तरह का तांडव नृत्य कर रहे हैं हमारे वहां के मुख्यमंत्री जी। तो मुझे लगता है कि रंग न बदले, और ये अच्छा काम हो रहा है, ये क्रांतिकारी कानून है, तीनों लॉज क्रांतिकारी है। अगर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे वातावरण की सृष्टि करना चाहती है, अपराजिता जी रुकना होगा, रिपीट करें आप अपने आप को। अभय जी मैं 30 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा। देखिए आपके सपनों को साकार कर दिया मोदी सरकार ने, आपके सपनों को साकार कर रही है मोदी सरकार, इसमें भी आपको आपत्ति हो रही है।